हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ प्रेपोजिशंस एंड दिस इज द 21st पार्ट इन दिस सीरीज। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रेपोजिशंस। नंबर वन, दे आर लीविंग डैश मुंबई सून। यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर। They are leaving for Mumbai soon. इसका मीनिंग है कि वे जल्दी ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। नंबर टू, He leaves dash his brother's money. यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे on. He lives on his brother's money. इसका मीनिंग है वह अपने भाई के पैसों पर जीता है, यानी कि वह खुद कुछ नहीं कमाता है, कोई मनी नहीं कमाता है, वह अपने ब्रदर के ऊपर डिपेंडेंट है मनी के लिए। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं नंबर थ्री की तरफ। नंबर थ्री है, लुक डैश द ब्यूटीफुल पेंटिंग। लुक डैश दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ पर आपने क्या फिल करना है? यहाँ पर आपने लिखना है एट। Look at this beautiful painting. इस सुंदर पेंटिंग की तरफ देखो। ओके, तो जब भी आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना है तब आपने लिखना है at. ओके, आई होप आपको अच्छे से ये भी क्लियर हो गया है। तो अब हम देखते हैं नंबर फोर। She was married dash a rich man. यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे टू। She was married to a rich man. वह एक रिच मैन से मैरिड थी, यानी कि उसकी मैरिज एक रिच मैन से हुई थी। ओके, तो अब हम देखते हैं नंबर फाइव। Will you pass dash the post office? So what will you fill here? यहाँ पर आप लिखेंगे by. Will you pass by the post office? यानी कि क्या आप पोस्ट ऑफिस के पास से गुजरोगे? ओके, पास बाय का मीनिंग होता है जब आप किसी जगह से निकलते हो, उस जगह के पास से निकलते हो, वो जगह आपके रास्ते में आती है। ओके, तो अब हम देखते हैं लास्ट नंबर सिक्स। ही प्लेज रेगुलरली डैश दैट टीम। सो व्हाट विल यू फील हियर? यहाँ पर आप क्या फील करेंगे? यहाँ पर आप फील करेंगे फॉर। ही प्लेज रेगुलरली फॉर दैट टीम। वह उस टीम के लिए रेगुलरली खेलता है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरह से आज का लेसन समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवन्ट डन इट येट। थैंक यू।